हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इंडियन मानसून के पार्ट 5 में आज हम लोग बात करेंगे इसकी ओरिजिन और इसकी मैकेनिज्म, और बेसिकली हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे जो इसकी अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है, अरब सागर की शाखा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 5 है। इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स बन चुके हैं और इन पार्ट्स में हम लोगों ने इसकी बेसिक पे बात की और इसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, क्योंकि पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोगों को थ्योरीज को के बारे में जानकारी प्राप्त होना आवश्यक हो जाता है। थ्योरीज अगर हमें पता रहेंगी तो हम इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ पाएंगे। तो थ्योरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थ्योरीज में हम लोग बेसिकली 5 थ्योरीज पढ़े: थर्मल कॉन्सेप्ट, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, डायनामिक थ्योरी, ईस्टर्ली जेट थ्योरी और मोनिक्स थ्योरी। ये इसमें से स्टार्टिंग की 2 थ्योरीज क्लासिकल थ्योरीज हैं और बाद वाली थ्योरीज जो है मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो ये सब की सब इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी जिनके माध्यम से इस अगर 5 थ्योरीज हम समझ लेंगे तो हम पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ लेंगे। और ये 5 थ्योरीज हमें पूरी अच्छी तरीके से समझा देती हैं कि मानसून की ओरिजिन कैसे होती है और इसमें कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है। ये सभी बातें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। आज हम लोग ओरिजिन तो हम लोग खैर पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसके अरेबियन ब्रांच पर बात करेंगे। सिर्फ छोटा सा ये अध्याय होगा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मैं एक अलग लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि छोटे से अध्याय में अच्छे से हम इसको समझ लेंगे तो सही रहेगा इसके हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग भले ही पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार ओरिजिन इसकी हम फिर से समझ लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग बस उन स्थितियों को देखेंगे जो स्थितियाँ बिल्कुल मानसून के लिए आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी वो स्थितियाँ बनती हैं तो उनमें बेसिकली हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। ये आपको साउथ इंडिया का एरिया दिख रहा होगा और ये है 0 डिग्री। और 0 डिग्री से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये 0 डिग्री को क्रॉस करके इधर आ रही हैं। मतलब कि इससे एक चीज़ तो साफ स्पष्ट होती है कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर होती तो इधर से ट्रेड आती और इधर से ट्रेड आती, दोनों यहाँ मिलती, दोनों का अभिसरण होता और हवाएं ऊपर उठ जाती और उसे ही हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अभिसरण क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवाएं दोनों तरफ से नहीं आ रही हैं। ये साउथ की ट्रेड 0 डिग्री को क्रॉस करके फेरल के नियम के अनुसार डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण ये घूम जा रही है और ये इस ओर आ रही है। तो इससे एक चीज साफ स्पष्ट होती है कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसकी शिफ्टिंग हो गई है। प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है या फिर दक्षिणायन होता है तो उसके हिसाब से प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग होती है। तो प्रेशर बेल्ट मान के चलिए कि यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, प्रेशर बेल्ट जाएगी आपकी कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री, क्योंकि जून में उसी एरिया में सन होता है और 21 जून को तो लंबवत चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसी कारण से ये बेसिकली हम लोगों का बेल्ट जो है वो ऊपर की ओर जाती रहेगी। और जैसे जैसे बेल्ट ऊपर की ओर जाएगी होगा क्या, ऐसी स्थिति में मान लीजिए बेल्ट यहाँ है तो उधर की ट्रेड तो यहीं, उधर की ट्रेड को भी लो प्रेशर पे आना है और इधर की ट्रेड को भी लो प्रेशर पे आना है। तो उधर की ट्रेड को तो लो प्रेशर वहीं मिल गया तो वो यहीं तक आएगी, लेकिन इधर वाली ट्रेड को जो कि पहले लो प्रेशर यहाँ मिल जा रहा था लेकिन अब तो यहाँ लो प्रेशर है नहीं तो वो इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचेगी। तो बस एक मैं हिंट दे दिया। तो ऐसी स्थितियाँ जब बनेंगी तो हम समझ लेंगे कि अब मानसून की ओरिजिन अब एक तरीके से हो चुकी है, अब स्टार्टिंग प्रक्रिया की हो चुकी है। प्रेशर बेल्ट देखिए नॉर्मली तो हम लोग के यहाँ अगर रेनफॉल देखें तो जून में ही होती है, ठीक है, लेकिन
जून में भले ही रेनफॉल होती है नॉर्मली, मतलब ज्यादातर रेनफॉल अगर हम देखें तो, क्योंकि 21 जून तक अगर आप खुद ही सोचिए, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से अगर बहुत किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे, बहुत उसको देखेंगे, तो ये चीज़ आप चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। लेकिन थोड़ा जब उस चीज़ को सोचेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 21 जून तक तो सूर्य कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत हो जाता है। जब कर्क रेखा पर, जो कि यहाँ पर है, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत हो जाता है, मतलब कि तब तक अगर सूर्य यहाँ पर है तो ऑल ओवर इंडिया का जो ये पूरा लैंड है ये काफी गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर काफी अधिक हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मई में टेम्परेचर होता ही नहीं है लैंड पे। आप यही सोचिए कि मार्च के लास्ट से सूर्य 1 महीने में 8 डिग्री के आसपास सूर्य ऊपर आता है, ठीक है? तो अगर हम थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी की ओर जाएं तो आपको याद होगा कि इसका जब हम इंडिया का पूरा वो करते हैं, जो इसका लैटिट्यूडनल जब हम विस्तार देखते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। 37 डिग्री 6 मिनट का मतलब जम्मू कश्मीर का बिल्कुल एकदम लास्ट वाला एरिया जो होगा वो वाला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मार्च में 0 डिग्री पे है सन, तो अप्रैल में 8 डिग्री पे आ जाएगा, और अब मिड अप्रैल तक तो वो ऑलमोस्ट यहाँ तक चला जाएगा। तो जो हमारी लो प्रेशर बेल्ट है वो अप्रैल में ही कहीं ना कहीं इंडिया में प्रवेश कर जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है। हम लोग सीधे चले जाते हैं जून में, जून में तो होता ही है, लेकिन अप्रैल के आते आते 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक ही जो हमारी लो प्रेशर की बेल्ट है, क्योंकि 8 8 8 डिग्री सूर्य ऊपर जा रहा है, तो अप्रैल या 15 अप्रैल मिड अप्रैल तक आते आते ये जो हमारी लो प्रेशर बेल्ट है वो इस एरिया में आ जाती है। कौन सी एरिया है हमारी? ये एरिया है साउथ इंडिया वाला, बिल्कुल साउथ इंडिया का भी एकदम निचला पार्ट। अब आप ये सोचिए, जब लो प्रेशर बेल्ट यहाँ आ चुकी है तो प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाएगी भाई, यहाँ पर लो प्रेशर, और अब ये जो ट्रेड विंड्स होंगी इनको इसको क्रॉस करके आना पड़ेगा, ये नमी लेके आएंगी, यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से टकराएंगी और वर्षा करेंगी, तो कहीं ना कहीं मानसून इसीलिए वहाँ पर शुरू हो जाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं प्री मानसून, थोड़ा मानसून के पहले जो होता है, और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम हम पहले इसका देख ले रहे हैं, इसमें एक तो मैंगो शावर इन केरला एंड कर्नाटका इन अप्रैल एंड मई, कॉफी शावर, मतलब कि जो मैंगो शावर है वो केरल और कर्नाटक में, और अप्रैल और मई में आपका कॉफी शावर है ये केरला में होता है, और बोर्डो जिला इन असम, और काल बैसाखी इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें बस आपको ये नाम याद होने ज़रूरी है कि बेसिकली जो हम लोग का मैंगो शावर है वो केरला और कर्नाटका से रिलेटेड है, और जो हम लोग का कॉफ़ी शावर है वो केरला से रिलेटेड है, और बोडो ज़िला असम, और काल बैसाखी बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। और ऐसा हो क्यों रहा है? हो ऐसा इसीलिए रहा है क्योंकि जो भी हम लोगों ने देखा कि भले ही जून तक तो पूरा इंडिया का लैंड गर्म हो जाता है, लेकिन इस लैंड गर्म होना तो अप्रैल से ही शुरू हो जाता होगा, तो इसीलिए जब लो प्रेशर बेल्ट जैसे ही इंडिया में प्रवेश करेगी, आप बस इतना एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करके ट्रेड विंड आना शुरू हो जाएगी, वैसे ही मानसून की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। बस इसी एक पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, और साउथ की ट्रेड 0 डिग्री को क्रॉस करके तभी आएगी जब लो प्रेशर 0 डिग्री के बजाय ऊपर कहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डिफ्लेक्शन फोर्स काम करेगा, पृथ्वी का घूर्णन काम करेगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वही सारी स्थितियां बनेंगी, और अब हम लोग एक नॉर्मल स्थिति ले रहे हैं कि मान लीजिए, वो तो मैं आपको पूरा प्रक्रिया मैंने बता दिया। अभी हम लोगों ने प्री मानसून देखा, प्री मानसून का मतलब मानसून से पहले, जैसे बोल्ड के पहले प्री बोल्ड, वैसे मानसून से पहले स्टार्टिंग में जो बारिश होती है, तो कॉफी शावर, मैंगो शावर, और उधर हम लोगों ने बोर्डो जिला, काल बैसाखी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो इसमें अब हम लोग को अरेबियन ब्रांच को ध्यान से समझना होगा। हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे कि इंडिया का लैंड गर्म हो चुका है,
और अब पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? तो जो हवाएं आ रही थी वो हवाएं, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता ही होगा रेनफॉल का, कि हवा माउंटेन से टकराती है और फिर ऊपर उठ जाती है, और जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है उसका संघनन होता है, क्योंकि हम जानते हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अगर नॉर्मल लैप्स रेट हम देखें तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लैप्स रेट सामान्य ताप पतन दर, इसके हिसाब से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता है, ठीक है, प्रति एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हमारा जो तापमान है वो कम होता जाता है। तो इसमें होगा क्या कि हवा मान लीजिए माउंटेन एरिया से टकराई, तो वो जैसे जैसे ऊपर उठेगी, ये डिपेंड करेगा कि जिस माउंटेन से टकरा रही है उसकी हाइट क्या है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, या जो हवा टकरा रही है वो कितनी स्पीड से टकरा रही है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो हवा टकराएगी और फिर क्या होगा, वो ऊपर जाएगी, उसका कंडेंसेशन होगा, फिर रेनफॉल होगी। तो यही पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी यहाँ पे हो रही है। ये हवाएं जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि 0 डिग्री को क्रॉस करके आएंगी, तो ये चीज़ मैं एक पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया की चूंकि लोकेशन ऐसी है, इस प्रकार का नुकीला भाग है ये, कि जो हवाएं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और बेसिकली इंडिया की ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन ही है, लेकिन इंडिया की चूंकि लोकेशन ऐसी है इसलिए जो इधर वाला पार्ट है इसको हम लोग अरेबियन सी बोल देते हैं और इधर वाले पार्ट को बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं। ये पूरा का ये दोनों ही बेसिकली इंडियन ओशन के ही पार्ट्स हैं। तो जब हवाएं इधर आएंगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, इधर वाला जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और इधर वाले को हम नाम देते हैं अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। अब होगा क्या, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। हवाएं नॉर्मल सी बात है, जब हवा का बेसिकली क्या होता है कि जिस भी सरफेस से वो प्रवाहित होती है, जिस भी सरफेस के ऊपर उसका फ्लो होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो धारण कर लेती है, उसकी विशेषताओं को धारण कर लेती है। अभी आप सोचिए कि कोई रेगिस्तान है, कोई डिजर्ट है, उसके ऊपर जब हवा चलेगी तो वो रेत की मात्रा अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई हवा बर्फीले क्षेत्र के ऊपर से आएगी तो ठंडक अपने अंदर ले लेगी। इसी तरीके से हमारा जो मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है उसके ऊपर से अगर विंड का फ्लो हो रहा है तो वहां से वो मॉइस्चर ग्रहण कर लेगी, और फिर क्या होगा, जब ये आर्द्रता इसमें आ जाएगी, इसमें नमी आ जाएगी, तो फिर यही हवाएं यहाँ हम जान ही रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है आपके पश्चिमी घाट माउंटेन्स पर्वत, ठीक है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सारी चीज़ें हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि अगर हम ध्यान से पूरी इंडिया की अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ टोपोग्राफी, तो ये तो आपका है हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक, ये सारे हैं इसमें, ये पूरा हिमालय का एरिया, और इधर पूरा आपका प्लेटो है, ठीक है, नीचे की ओर पूरा आपका प्लेटो है, और इस प्लेटो में ही प्लेटो के जो किनारे वाले भाग हैं जैसे यहाँ पर ये कगार के रूप में है, बिल्कुल यही है, इधर वाला पूर्वी घाट है और इधर वाला पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के बगल में ये तो मान लीजिए ब्लैक ब्लैक आपको पश्चिमी घाट दिख रहा है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये चूंकि ये जो चैप्टर है ये आपका सिर्फ अरेबियन ब्रांच वाला चैप्टर है इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं तो बना भी दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं तो नॉर्मल ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप इसको भी दिखा देंगे तो भी बेहतर होगा। तो ये इस घाट के बीच में, इस घाट और ये तो इधर तो वाटर बॉडी है, ये तो आपका सागर है, इसके बीच में यहाँ पर भी आपको एक मतलब पार्ट दिख रहा है लैंड का, ये मैदान है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, और इधर ही वैसी स्थिति होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। तो ये बेसिकली जब हवाएं यहाँ पे टकराएंगी तो इन्हीं जो मैदानी एरियाज हमारे आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी में, कोरोमंडल तट, यहाँ सॉरी यहाँ पर कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, तो यार यहाँ पे है, और इधर उत्तरी सरकार तट, उत्कल या कलिंग तट, तो ये सारे हमारे कोस्टल एरिया हैं जो तट के जस्ट बगल में, तट ये आपका जो माउंटेन एरियाज है, जो घाट हैं, घाट और समुद्र के बीच में जो ये हमारे एरियाज हैं, ये हैं हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं,
इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो उसको कोस्टल प्लेन बोलेंगे। तो इन्हीं सभी एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि पश्चिमी घाट है और जब इनसे टकराएंगी तो रेनफॉल होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। और यहीं पर आपको कुछ दर्रे मिलेंगे, कुछ दर्रों के नाम हम आप ये आपका काम है, अगर सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगी तो फिर आप कुछ भी उसमें सर्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तीन दर्रों के नाम लिखे हुए हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो गैप्स हैं, जो दर्रे हैं, वो बेसिकली इन्हीं एरियाज में हैं। और इनको आप नेट पे जाइएगा तो आपको मिलेगा कि एक दर्रा आपको मिलेगा, मैं हिंट देता रहा हूँ, जो मुंबई से नागपुर उसको जोड़ने का काम करता है, फिर मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सभी जो हमारे पासेज हैं। तो पासेज इससे एक चीज़ और क्लियर होगी कि पासेज सिर्फ हिमालय रीजन में ही नहीं है, बल्कि जो हमारा साउथ इंडियन प्लेटो वाला जो एरिया है, जो घाट वाला एरिया है, वहाँ भी हम लोग को इस तरह के पासेज देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों दर्रों को आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा इन तीनों दर्रों के बारे में। और फिर क्या होगा, इन्हीं दर्रों के माध्यम से, दर्रे मैंने बनाए हुए हैं लेकिन वो चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी। उससे आप जब उसको सर्च करेंगे तो आपको उस उन दर्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उनके फोटोज़ मिलेंगे। तो इससे बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा हूँ, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जो दर्रे हैं ये क्या काम करते हैं, ये दर्रे जो है इन्हीं दर्रों के माध्यम से, आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए पूरा पैक है, अगर ये पूरा इस तरीके से होता, पैक होता, तो हवा आती और इधर चली जाती। लेकिन अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब इन दोनों घाट के बीच में ये अगर गैप है, दर्रा यहाँ पे है, तो हवा इधर जाने के बजाय ये इस दर्रे को पाके अंदर प्रवेश कर जाएगी, ऐसा होता है। तो वही चीज़ आपको इस फिगर में भी देखने को मिल रही है कि कुछ हवाएं तो ऊपर की ओर जा रही हैं लेकिन कुछ हवाएं यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जा रही हैं। और प्रवेश क्यों कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो नदी के किसी की घाटी होगी और या तो कोई दर्रा होगा, इन्हीं दो कंडीशंस में नदियां अंदर प्रवेश करेंगी, इसीलिए अंदर भी रेनफॉल होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरी रेनफॉल इस समुद्र तटीय मैदान पर ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। समुद्र तटीय मैदान पे यद्यपि ये बात सही है कि मैक्सिमम रेनफॉल यहीं पर हमें प्राप्त होगी, लेकिन कुछ रेनफॉल अंदर के क्षेत्रों में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका नदी की घाटी है, तो नदी की घाटी के, तो ये जो दोस्तों नदी की घाटियाँ होंगी ये भी यहाँ पर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। मतलब कि जहाँ से भी इन हवाओं को अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, तो मैक्सिमम रेनफॉल तो यद्यपि कोस्टल प्लेन्स में होगी, लेकिन जहाँ से भी नदियों को अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, नदियाँ सॉरी हवाओं को, तो वो हवाएं अंदर जाएंगी और अंदर के एरियाज में भी रेनफॉल होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नुकीले नुकीले ऐसे त्रिभुजाकार भाग दिख रहे होंगे और इसके माध्यम से बेसिकली हमने चोटियों को दिखाया है। इसमें भी आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अपना एटलस खोलिएगा, तो एटलस में आपको कुछ चोटियाँ मिलेंगी, नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप उनको देख लीजिएगा, इससे आपकी भी थोड़ी रिसर्च होगी। इसमें आपको अनाई मुडी, डोडा बेटा, कुद्रेमुख, कुमनी घाट, महाबलेश्वर और कालसुबाई। तो ये पूरा अगर हम साउथ से लेके नॉर्थ तक देखें तो अनाई मुडी, डोडा बेटा, कुद्रेमुख, कुमनी घाट, महाबलेश्वर, कालसुबाई, ये पूरी हमें महाराष्ट्र तक इस प्रकार की पीक्स देखने को मिलेंगी। और ये बहुत छोटी पीक्स नहीं है, जब आप इनकी हाइट देखेंगे तो 1000 2000 मीटर इनकी हाइट है, जो कि अगर हम देखें तो काफ़ी कम नहीं है, ठीक ठाक इनकी हाइट है और रेनफॉल कराने के लिए तो सफिशियंट है। तो इसीलिए बेसिकली इन एरियाज में काफ़ी जो हमको रेनफॉल देखने को मिलती है, क्योंकि हवाएं जब इन पीक्स से टकराती हैं तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठती हैं और फिर कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल हो रही है। तो इन पीक्स के नाम याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी इन पीक्स का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्रम मैं आपको बताया हूँ ये बिल्कुल सही क्रम है। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड एटलस में वो आपको इंडिया का मैप नहीं मिलेगा, आप इसका जो एटलस में साउथ इंडिया का मैप दिया होगा जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एक साथ दिया होगा, उसमें आप देखिएगा तो आपको ये सारी की सारी पीक्स क्रम से मिलेंगी साउथ टू नॉर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस बेसिकली आपको इसमें यही अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हवा को आपको टकराना पड़ेगा माउंटेन एरिया से,
और हवा को उठना पड़ेगा। यही कुछ इसकी कंडीशंस हैं, उसी कंडीशन पे रेनफॉल होगी। और यहाँ पर भी आपको कुछ माउंटेन एरियाज पता होंगे, आपने पढ़ा होगा गिर मांडव बारदा की पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ कुछ यहाँ पर भी हैं, वो उतना कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पर जो ये हवाएं और आगे बढ़ेंगी, इधर आपको नर्मदा और तापी वाली घाटी दिख ही रही है। तो ये जो पूरा हम लोग का एरिया है, ये ऊपर, हाँ ऊपर ये नर्मदा वाली वैली और इधर हम लोग की तापी वाली वैली, तो इस एरिया में भी ये प्रवेश कर जाएंगे। और आगे जाके यहाँ पे जो पीक्स हैं, जैसे यहाँ पे अमरकंटक है तो उससे टकरा के यहाँ रेनफॉल होगी। फिर यहाँ पे सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़, इससे हवा टकराती है और रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है ये आपकी पूरी ही पूरी हो गई प्रक्रिया। और यहाँ आप अरावली देख ही रहे हैं, अरावली के हवा जो है अरावली बैरियर का काम नहीं कर पाता है और इसलिए यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती है। बेसिकली कभी कभी पूछा जाता है कि अरावली की ऐसी लोकेशन है या हवा ही ऐसे प्रभावित होती है कि रेनफॉल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों कंडीशंस हैं, एक तो अरावली इस प्रकार से उसकी लोकेशन है कि हवा को कोई अवरोध नहीं मिल पाता है, वहीं अगर अरावली इस प्रकार से होती जैसे हिमालय ऐसे होती तो हवा की टकराहट होती है, हवा ऊपर उड़ती और कंडेंसेशन होता, रेनफॉल होता है। लेकिन हवा चूंकि अरावली इस प्रकार से लंबवत रूप में है, तो इस प्रकार से ये जो हवाएं चल रही हैं, जो आर्द्र हवाएं हैं, ये उससे टकरा नहीं पाती हैं। और वहीं अगर मान लीजिए अरावली जैसी है ऐसी ही होती, हवा ही इस साइड से आती वेस्ट एशिया की तरफ से, तो सीधे सीधे इससे टक्कर हो जाती। तो दोनों कंडीशंस हैं, हवा का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन जो है वो भी इस प्रकार का है कि वो मतलब अरावली से टकरा नहीं पाता है। और दूसरा अरावली की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि वो हवा के लिए अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी और ये कुछ रीजंस हैं रेनफॉल यहाँ नहीं हो पाती है। यहाँ थार बिल्कुल गर्म हो जाता है और वहाँ से थार जब गर्म हो जाता है तो हमको पता है कि जब हवा इसके ऊपर से बहेगी प्रवाहित होगी, तो जिस भी सरफेस के ऊपर से हवा प्रवाहित होती है वहाँ की विशेषताओं को धारण करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है हवा की नमी खत्म हो जाएगी यहाँ पर जब इसके ऊपर से प्रवाहित होगी, तो चूंकि यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठ रही है, काफ़ी गर्म टेम्परेचर, काफ़ी हॉट है, काफ़ी टेम्परेचर इसका अधिक है, तो इसलिए इसकी जो नमी होगी वो खत्म होगी, हवा इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी अगर इसके ऊपर से आएगी तो ये इसमें होती है पूरी दोस्तों प्रक्रिया। और इस प्रकार अरेबियन ब्रांच में इतना सफिशियंट है। अब इसके आगे अगले अध्याय में हम लोग जो इसकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे फिर हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि किस प्रकार से आगे चल के ये जो दोनों ब्रांचेस मिलती हैं कहाँ पे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो चीज़ अगले पार्ट में होगी। इस पार्ट में अरेबियन ब्रांच में इतना सफिशियंट है। और इसको आप लिखेंगे कैसे दोस्तों, इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले तो अगर इस पे लॉन्ग, पहली बात तो बहुत लंबा क्वेश्चन इस पे आप आएगा नहीं, और 400 500 शब्दों का इस पे आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है। आपको इंडियन मानसून की डिफिनेशन देनी पड़ेगी, जो पूरी हम लोगों ने कहानी की तरह समझा है वो पूरी प्रक्रिया आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। और फिर आपको जो ये फिगर मैं लास्ट में फिगर आपको दिखा दूंगा जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट लें, नोट्स पे बना लीजिएगा, और वो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा नहीं है, ये आप आसानी से 150 से 200 शब्दों में ही आप इसको लिख पाएंगे। बहुत लंबा लिखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आंसर आपका खराब हो जाएगा क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ है। हाँ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पीक्स की बात की, जो दर्रों की बात की थी हमने, उन दर्रों के नाम, उन पीक्स के नाम, ये सारी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, पासेज हैं, दर्रे हैं, ये सब आपको ऐड करने पड़ेंगे, इससे आपका आंसर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। बस यही चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, बाकी इजी टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन जैसा सभी लोग लिखेंगे वैसा ही आप लिखेंगे तो बेहतर नहीं होगा। लेकिन आपको कैसे लिखना है, जो पीक्स हैं, जो दर्रे हैं, वो सभी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, अब आगे हम लोग जो इसका बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है उस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।